खबर लालगंज से है, जहां आगामी महाशिवरात्रि को लेकर लालगंज थाना परिसर में लालगंज थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, लालगंज अंचलाधिकारी स्मृति कुमारी, लालगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी, लालगंज इंस्पेक्टर तथा पुलिस पदाधिकारी मनोज पांडे के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई है, जिसमें बताया गया कि नगर क्षेत्र स्थित बरका मंदिर से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जो मंदिर परिसर से बड़ी मस्जिद चौक, भट्टी पोखर चौक, पुरानी पोस्ट ऑफिस चौक, सूर्याना मंदिर, नाका नंबर 1, 3 पुलवा चौक, रेपुरा, गंडक बांध रोड होते हुए पुनः मंदिर तक शोभा यात्रा आएगा, जहाँ इसका समापन किया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक के साथ भूत, पिशाच सहित अन्य कलाकृति दिखाया जाएगा। वहीं बैठक के दौरान लालगंज थाना अध्यक्ष ने कहा कि शोभा यात्रा में डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, डीजे के जगह हॉर्न आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं इस संबंध में लालगंज अंचलाधिकारी स्मृति कुमारी ने कही कि माननीय न्यायालय के आदेश के अंतर्गत डीजे पर प्रतिबंध लगाया गया है। महाशिवरात्रि की शोभा यात्रा के साथ ही अगर अन्य किसी भी जुलूस या शोभा यात्रा में डीजे का प्रयोग किया जाएगा तो उस कार्यक्रम को संचालित करने वाले व्यक्ति या डीजे संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं महाशिवरात्रि के शोभा यात्रा के दौरान अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। इस मौके पर लालगंज नगर क्षेत्र के सभापति कंचन शाह, चंचल राय, मनोज राय, वार्ड पार्षद रविंद्र कुमार, सुजीत कुमार, अजय ठाकुर, शंभू साह, नंदू बाबा, सररिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि लखिंदर प्रसाद यादव सहित सैकड़ों अन्य जनप्रतिनिधि तथा स्थानीय लोग मौजूद थे। कि आज की बैठक में क्या क्या कहा गया है, क्या दिशा निर्देश दी गई है? आज की बैठक में यही कहा गया है कि शिवरात्रि के अवसर पे सब कोई लॉ एंड ऑर्डर को साथ लेके काम करेंगे, है ना। और ये आप लोग का पर्व है, हम सबका पर्व है, सबका दायित्व है कि हम लोग अच्छे से इस पर्व। डीजे को लेकर क्या प्रतिबंध किया गया है? डीजे का यूज नहीं करना है ना, अपना जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, जो ढोल मृदंग अगर ये सब बजाए तो ज्यादा अच्छा। इसके बावजूद भी डीजे बजते दिखा जाता है, कई बार शांति समिति की बैठक में मना किया जाता है, निर्देश दे दिया गया है यहाँ पे, है ना। तो वैसे लोगों पे कार्रवाई की जाएगी अगर डीजे देखा जाएगा तो? शिव का प्रतिमा का बंडा है, भूत बैठा सब रहते हैं हमारे साथ, झांकी में बाल बच्चे लड़का फेंका सब बन के तैयारी होके चलता है। कहाँ से निकलेगा और कहाँ तक जाएगा? लालगंज ब्लॉक के पास बड़ा मंदिर है, बड़ा मंदिर से होते हुए गुरुद्वारा होते हुए बड़ी मस्जिद से पुराना पोस्ट ऑफिस से गोला अच्छी होते हुए सूर्याना मंदिर, नाका नंबर 1 होते हुए हम आते हैं, फिर पुराना पोस्ट ऑफिस आते हुए मेन रोड घरते हुए तिनकुलवा जाते हैं, तिनकुलवा से दक्षिण में रेपुरा होते हुए, पुजियाँ होते हुए, जहानाबाद होते हुए, तौलापुर आते हुए फिर ब्लॉक पास में आ जाते हैं। क्या कुछ टाइमिंग है? हाँ टाइमिंग है। कितने बजे निकलेगा? 1 बजे 12 बजे 12 बजे निकलेगा, 12 बजे। इस मीटिंग में कई सारा दिशा निर्देश दिया गया, जैसे डीजे नहीं बजाना है, फलाना है, जैसे डीजे एकदम बाद में नहीं करते, तो फिर डीजे नहीं आता। डीजे हम नहीं रखते, तो हल्का बाजा रहता है कि उसमें लोग हमारे साथ चले, छाकी में काफ़ी भीड़ हो, लोग हमारे साथ चलते हैं और शांति ढंग से हम निकालते हैं। तो भूत प्रेत जो बनेगा वो सब नियंत्रित रहेगा? हाँ हाँ नियंत्रित। स्कूल चले हम, ओ, 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 ओ,